मॉर्निंग एवरीवन। वेल आज है 5 अगस्त और वैष्णो देवी की यात्रा हो चुकी है पूरी। और अभी मैं खड़ा हूँ वो है कटरा के बस स्टैंड पे, मैं दिखाता हूँ आपको, यह है कटरा का बस स्टैंड। एंड गाइस गेस व्हाट, अभी जो है हम जा रहे हैं कटरा से शिवकोड़ी। शिवकोड़ी जो है आपको मैं बता दूँ, शिव जी का मंदिर है उधर, आपको मैं उधर जाऊँगा अब, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो चलो चलिए, जैसा भी एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं गाइस। गाइस तो अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप है शिवकोड़ी की यात्रा में, वो है 9 देवियों का मंदिर। अभी हम यहाँ रुके हैं और इधर अभी कैमरा लाउड के लेकिन चुपके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बस यही बताना था, इधर 9 देवियों का मंदिर है। अभी दोबारा यात्रा शुरू होगी, फिर देखते हैं आगे कहाँ पर जाना है। तो बस अभी तो यही अपडेट था, चलिए। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. ऑल राइट गाइस, सो अब हम पहुंच चुके हैं शिवकोड़ी, जो कि कटरा से 85 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहां से आपको, अगर कटरा से अगर आप लेते हो बस, प्राइवेट बसेस आती है, वो आपको 200 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है गाइस। और उसके बाद वो 2 किलोमीटर पीछे आपको छोड़ देते हैं और फिर वहां से ऑटो वगैरह करके चलते हैं। 10 रुपये पर पर्सन वो भी लेते हैं और इधर शिवकोड़ी आपको छोड़ देंगे। अब यहां से चढ़ाई शुरू होती है, 3 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर। तो चलो अब दिखाता हूँ मैं वो कैसी जगह है। पहले ये है शिवकोड़ी, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। ओके गाइस, तो अब यात्रा करती है शुरू। एंड इस यात्रा को शुरू करते हैं, आपको साइड में यहाँ पे एक नदी मिल जाएगी, क्योंकि जैसे आपके राइट साइड में खुलती है। Guys, so I can see the first temple right here in front of me. So let me show you that first. Enjoy the beauty, guys. Wow. Thank you.
राइट गाइस, सो इट्स एन अपडेट, लाइक नाउ वी आर ओनली 1 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम शिवकोड़ी केव. सो लेट मी शो यू. यहाँ देखो 1 किलोमीटर बचा है, 2 किलोमीटर चल चुके हैं. शंकर महाराज की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय जय. ओके गाइस, सो यू कैन फील द पॉजिटिव एनर्जी अराउंड हियर, पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे आके. जो यहाँ की फीलिंग है वो अलग है. तो चलते चलते मैंने देखा यहाँ पे जो प्रसाद की दुकान है वहाँ पे ये लोग रुद्राक्ष बेच रहे हैं. रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष का वो ऐसा है कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो बीज होता है उसे फोड़ने पर इंटर से रुद्राक्ष निकलता है. मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए. भैया ये रुद्राक्ष है? हाँ, रुद्राक्ष का फल है, इसको छीलेंगे तो रुद्राक्ष निकलता है, और फल के अंदर कोई भी मुखी रुद्राक्ष निकल सकता है, 1 से लेकर 14 मुखी तक. अच्छा, कितने का है? 50 रुपए का एक फल. 50 रुपए का एक फल है. और ये माला? माला का अलग अलग रेट है, 100 रुपए की माला. 100 रुपए की माला. हम इस रास्ते से आए हैं, अभी देखिएगा. ओके गाइस, सो बहुत अच्छे दर्शन हुए. ये टूर तो मेरे लिए मतलब आना ना एक नंबर रहा है, क्योंकि जब वैष्णो देवी गया तो वहाँ भी हमें आरती देखने को मिल गई, आरती में बैठने को मिल गया, माता रानी का आशीर्वाद जो मैं हमेशा से चाहता था वो हो गया, और इधर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए. मैं आपके लिए दिखा नहीं पाया, वो जितना दिखा पाया उतना ही कर सकता था, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है किसी भी मंदिर में कैमरा फोन अलाउड नहीं होता, वो आपको पता ही है. बट जितना मैंने गुफा जो है भगवान की, शिव जी की गुफा जो है यहाँ पे, उसको रिकॉर्ड कर लिया कैसे ना कैसे. तो अगर आपको दर्शन हो गए तो जाके आप सब्सक्राइब कर दो, एंड लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दबा के इस वीडियो को लाइक करो यार, और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर. बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, तभी थोड़ा सांस लेके बोल रहा हूँ. बस इतना ही गाइस, तो अब कल की मेरी ट्रेन है, अब वापस जा रहा हूँ चंडीगढ़, जल्दी ये वीडियो ड्रॉप कर दूँगा. तो बस इतना ही, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में. अंटिल देन, स्टे हैप्पी, बाय गाइस.